और अभी भी एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट के जरिए अरिहाल इलाके में एक धमाका किया गया है। सेना की गाड़ी गुजर रही थी और सुरक्षा बलों ने वहां पर अब इस पूरे इलाकों को घेर लिया है। एक और बड़ा हमला करने की कोशिश बताई जा रही है। हमने पिछले हफ्ते आपको एक बार फिर दिखाया था कि किस तरह से सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें 5 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया गया था। आज एक बार फिर आतंक की यही कोशिश की गई है पुलवामा में जम्मू कश्मीर के। एक तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में दोफाड़ होने की स्थिति बन रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से प्रोत्साहित आतंकवाद लगातार कश्मीर में बढ़ता चला जा रहा है। आज एक मेजर की शहादत की खबर सामने आई है। आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें एक मेजर की जान चली गई है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार हिंदुस्तान में इस तरीके से ये आतंकवादी कब तक खून का ये खेल खेलते रहेंगे। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के मेजर भी हुए शहीद। साउथ कश्मीर के अनंतनाग का विदुरा गांव आज सुबह गोलियों की आवाज से गूंज उठा और जब गोलियों की आवाज थमी तो 2 आतंकी ढेर हो चुके थे, जबकि सेना के एक मेजर भी शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। खबर मिली थी कि विदुरा इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुबह 8 बजे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की भनक लग गई और उन्होंने पोजीशन लेकर जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात मेजर रैंक के अधिकारी और एक जवान बुरी तरह घायल हो गए। जब तक घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक मेजर की मौत हो गई। वहीं एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की लाश को कब्जे में ले लिया गया है और पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हाल के दिनों में घाटी में एनकाउंटर का ये पहला मामला नहीं। पिछले 2-3 दिन में पुलवामा और अवंतीपुरा में आतंकियों के साथ ऐसी मुठभेड़ें हो चुकी हैं, जबकि 12 जून को अनंतनाग में हुए एक आत्मघाती हमले में घायल जम्मू कश्मीर पुलिस के SHO अरशद खान भी शहीद हो गए। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।